हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा टरबाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ना कि सिर्फ टरबाइन प्रोडक्शन के लिए बल्कि हमारा गेयर बॉक्स के लिए और अल्टरनेटर के लिए भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सब के साथ साथ ये टॉपिक हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा बेंटले नेवाडा 3500 मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम। ये हमारा टरबाइन गियर बॉक्स और अल्टरनेटर पे लगा होता है, और जो हमारा टरबाइन सुपरविजरी पैनल पे इसका जो हमारा ट्रांसड्यूसर या इसे हम ट्रांसमीटर कहेंगे वो हमारा माउंट होता है, जहां पर सारे के सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट आकर उसमें अटैच हो जाते हैं। जैसा कि आप हमारे फोटो में ही देख पा रहे हैं, ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस होती है बेंटले नेवाडा सिस्टम की, जो कि हमारा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इस बेंटले नेवाडा सिस्टम को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे इसकी थ्योरी, इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सेकंड पार्ट में हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझेंगे, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इस सिस्टम के साथ जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको कैसे चेक करेंगे कि वो हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है। और थर्ड पार्ट में हम ये समझेंगे कि अगर हम फील्ड में वाइब्रेशन सेंसर को लगा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से -10 वोल्ट DC को हम सेट करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जो फिलर गेज से हम RPM सेंसर जो होते हैं वो लगाते हैं, वो कितने हमारे MM पे होने चाहिए और किस तरीके से हम उनको सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं ये होता क्या है। तो ये हमारा कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग का एक पार्ट होता है, जो कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए लगा होता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारी ऑनलाइन मशीनरी की ऑनलाइन रीडिंग्स हमें प्रोवाइड कराता रहे। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक से ही खराब हो जाएगा। सबसे पहले उसमें किसी टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ल्यूब्रिकेशन या किसी न किसी की वजह से धीरे धीरे हमारी जो मशीनरी होगी वो खराब होगी। अब अगर किसी भी तरीके से हम ये जान पाएं कि मशीनरी हमारी खराब होने वाली है, तो उसी टाइम पे हम अपनी मशीनरी का बंद करने का एक शेड्यूल प्लान कर लेंगे। जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो हमें मटेरियल चाहिए, या हमें कोई सर्विस इंजीनियर को बुलाना है, या हमारे प्लांट के जो एक्सपर्टाइज मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उन सभी को एक हम शेड्यूल टाइम पे डिफाइन कर देंगे कि हाँ भाई, हम मंडे में 10 बजे अपना ये मशीनरी बंद करेंगे और इसको हम ओवरहॉलिंग में लेंगे। तो उससे क्या होगा, कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में हमारी मशीनरी ओके हो जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी मशीनरी खराब होने वाली है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इसी टॉपिक का ले लेते हैं। जैसे टरबाइन पे हमारे वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, ये सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। हम देखते हैं कि टरबाइन के एक पर्टिकुलर सेक्शन से, पर्टिकुलर जोन से हमारा वाइब्रेशन हाई हो रहा है। अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया तो वो हमारे इक्विपमेंट को, हमारी टरबाइन को डैमेज भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल प्लान मेंटेन कर लेते हैं कि हाँ, इस दिन अपनी हम टरबाइन का शटडाउन ले लेंगे और जो इक्विपमेंट या जो मटेरियल हमारा खराब है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कम से कम खर्चे में, कम से कम टाइम में हम अपने टरबाइन को सेव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अब हम समझ लेते हैं इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए इस सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रैक लगा होता है, जैसा कि आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें ढेर सारे स्लॉट्स होते हैं जिसमें हमारे मॉड्यूल लगते हैं। और इन सारे कंटेंट्स को, इन सारे पार्ट्स को हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। तो अभी समझ लेते हैं कि हमारे एक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम में या जो हमारा मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा रैक, दूसरा हमारा हो गया पावर सप्लाई, तीसरा हो गया हमारा ट्रांजिएंट डेटा इंटरफेस मॉड्यूल, चौथा हो गया हमारा 4-चैनल प्रॉक्सिमीटर मॉड्यूल, या जिसे सिस्मिक मॉनिटर या सिस्मिक मॉड्यूल भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है एक 16-चैनल टेम्परेचर मॉड्यूल, फिर हमारा कम्युनिकेशन गेटवे मॉड्यूल, उसके बाद हमारी रिले आती हैं 4-चैनल की लगी हैं या 16-चैनल की लगी हुई हैं, उसके बाद हमारा एक की फेसर मॉड्यूल भी उसमें लगा होता है, और एक हमारा डिस्प्ले इंटरफेस मॉड्यूल भी है। इसमें से कुछ मॉड्यूल तो हमारे कंपलसरी हैं जो कि हमारे लगे ही लगे होंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि कंपलसरी मॉड्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, रैक हमारे लिए कंपलसरी हो गई, पावर सप्लाई मॉड्यूल ये कंपलसरी हो गया, ट्रांजिएंट डेटा इंटरफेस मॉड्यूल ये हमारे लिए कंपलसरी है, जो हमारा वाइब्रेशन मॉड्यूल है वो कंपलसरी है, टेम्परेचर मॉड्यूल कभी किसी कहीं पे किसी प्लांट में हम लेते हैं, किसी प्लांट में हम नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये हमारा लगवाना कंपलसरी नहीं है।
उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन गेटवे मॉड्यूल, ये हमारा कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट किसके थ्रू करेंगे। फिर हमारा हो गया रिले मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल भी हमारा कंपलसरी मॉड्यूल होता है, क्योंकि ये हमारा ट्रिपिंग का, अलार्म का रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रिपिंग अलार्म के लिए, तो ये भी होना हमारे लिए जरूरी होता है। फिर की फेसर मॉड्यूल, की फेसर मॉड्यूल कुछ जगह पर होता है, कहीं पे हमने प्लांट में अपने नहीं ले रखा है तो वो एक अलग सिस्टम हो गया, ये भी हमारा कंपलसरी मॉड्यूल नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले इंटरफेस मॉड्यूल, डिस्प्ले इंटरफेस मॉड्यूल भी हमारा कंपलसरी नहीं होता, अगर हमें ज़रूरत है, हमें रिक्वायरमेंट है तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ना लगा के इस सारा डेटा हम डीसीएस पे भी अपना कम्युनिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। और इन सभी का जो कोड होता है ये हमने आगे दे रखा है कि जैसे अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट रैक होगा 3500/05, जितने भी रेड कलर से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये सारे हमारे जो हैं इनके मॉड्यूल्स के कोड हैं, जिनमें से एक हमारा मॉड्यूल छूट गया तो मैं आपको अब यहीं पे लिखे देता हूँ। ये होता है हमारा 3500/40M, और आजकल इसका अपग्रेडेड वर्जन भी प्लांट में यूज हो रहा है 3500/42M। ये हमारा कोड है जो कि हमारा फोर चैनल प्रॉक्सिमीटर मॉड्यूल के लिए यूज होता है। तो अभी हम इनको इंडिविजुअली समझ लेते हैं डिटेल्स में कि इंटरफेस मॉड्यूल या हमारे इंस्ट्रूमेंट रैक, ये सारी चीजें किस लिए लगी होती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमारी इंस्ट्रूमेंट रैक होती है वो किस लिए लगी होती है। तो इंस्ट्रूमेंट रैक हमारी बेसिकली तीन कामों के लिए लगी होती है। पहला तो हमारा वो जितने भी मॉड्यूल्स उसमें इंसर्ट करते हैं तो उन सभी को पावर प्रोवाइड कराने का काम हमारे इंस्ट्रूमेंट रैक का होता है। सेकंड, कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स, जो हम ढेर सारे मॉड्यूल उसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन रैक का होता है। और तीसरा होता है हमारा इजी इंस्टॉलेशन, अगर हमें कोई भी कार्ड लगाना या निकालना है तो इजिली हम उसके दो स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे और कार्ड को निकाल के हम एक दूसरा मॉड्यूल या दूसरा कार्ड हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये तीन काम होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन रैक के। इसके साथ साथ जो हमारी इंस्ट्रूमेंट रैक होती है वो दो साइज में अवेलेबल होती है, पहली होती है हमारी 19 इंच की, दूसरी होती है हमारी 12 इंच की। जो 19 इंच वाली जो हमारी रैक होती है उसमें टोटल हम 14 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, जिसमें से हमारा पावर मॉड्यूल और TDI मॉड्यूल काउंट नहीं होता। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा हम इसमें 14 मॉड्यूल्स और लगा सकते हैं। जो हमारा 12 इंच का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रैक साइज होती है उसमें हम टोटल 7 कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट के बारे में जो कि है हमारा पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसा आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, हमारे जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसके सबसे लेफ्ट साइड में सबसे पहले हाफ साइज का एक हमारा मॉड्यूल लगा होता है। तो ये होता है हमारा पावर मॉड्यूल, इसमें हाफ हमारा ऊपर साइड में है, हाफ हमारा उसी के जस्ट नीचे इंस्टॉल किया जाता है, जो कि हम रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं। अभी आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं यहाँ पे दो मॉड्यूल अलग अलग प्लांटों के लगे हुए हैं, और एक में हमारे रिडंडेंसी अवेलेबल है, दूसरे में अवेलेबल नहीं है। और इसमें एक ही LED, सिंगल LED होती है जो कि हमारी सप्लाई ओके पावर ओके के नाम से रहती है, और जो कि हमारे ग्रीन इंडिकेशन के साथ होती है। अगर वो हेल्दी हमारी होगी, रेड हो जाएगी, इसका मतलब वो हमारी फॉल्टी केस में पहुंच चुकी है। अभी क्या है, इसमें पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें तीन तरीके के मार्केट में हमारे पावर मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है हमारा जो कि यूनिवर्सल AC सप्लाई पावर का होता है, 88-260 वोल्ट AC का, मतलब हम अपने 230 वोल्ट AC से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। सेकंड होता है हाई वोल्टेज DC पावर सप्लाई, जो कि हमारा 88 से 140 वोल्ट DC होता है। तीसरा होता है हमारा लो वोल्टेज DC पावर सप्लाई, जो कि हमारा 20 से 30 वोल्ट DC पे हमारा अवेलेबल होता है मार्केट में। तो इन तीनों में से हम किसी भी पावर सप्लाई को हम यूज कर सकते हैं, और ये भी इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा हम मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली मार्केट में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है हमारा हाई वोल्टेज DC पावर सप्लाई। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिएंट डेटा इंटरफेस मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा TDI मॉड्यूल होता है, ये हमारा सिस्टम का एक तरीके से CPU होता है, जो कि हमारा फील्ड से डेटा गैदर भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, हमारे कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन भी करेगा, मतलब हर एक काम ये कर सकता है। हमारी पावर सप्लाई हेल्दी है या नहीं है ये भी हमारे TDI मॉड्यूल के थ्रू हमें पता चलता है। कोई भी मॉड्यूल फॉल्टी में पड़ा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें TDI मॉड्यूल के थ्रू ही पता चलती है।
तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये जो हमारा TDI मॉड्यूल होता है, ये हमारे उस मॉड्यूल के साथ हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर है या हमारा जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है उसके साथ कम्युनिकेशन कराने का, इंटरफेस कराने का जो हमारा काम होता है वो हमारा TDI मॉड्यूल का होता है। और TDI मॉड्यूल जो होता है हमारा नेक्स्ट पावर सप्लाई के जस्ट आगे ही हमारा ये मॉड्यूल लगा होता है, आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं। TDI मॉड्यूल, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा फील्ड से सारा जो फील्ड सेंसर जो होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है और हमारे सिस्टम को आगे प्रोवाइड कराता है। इसमें हमारा बीच में देखिए एक रीसेट बटन भी दे रखा है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमारे किसी वाइब्रेशन हाई की वजह से जब हमारी टर्बाइन ट्रिप होती है तो हम कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे वहाँ पे एक लैचिंग सेलेक्ट करके रखते हैं कि अगर एक बार हमारा कोई हाई हुआ है तो उसको लैच कर देता है। जब हम दोबारा उसे रीसेट करके अब टर्बाइन को चलाते हैं तो हमें TDI मॉड्यूल से भी उसे रीसेट करना पड़ता है। तब तक जब तक हम रीसेट नहीं कर रहे हैं तब तक वो हमारा फॉल्ट इंडिकेशन में ही दिखाता रहता है। नेक्स्ट हमारा इस TDI मॉड्यूल के पीछे एक रिले पॉइंट दिया होता है। जैसे मान लीजिए हम अपने सिस्टम पे कहीं पर भी एक अलार्म चाहते हैं कि हमारा TDI मॉड्यूल या हमारा जो 3500 मशीनरी सिस्टम है वो हमारा ओके है, हेल्दी है, तो इसका भी एक अलार्म इंडिकेशन हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैक एड्रेस। जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट रैक में कोई मॉड्यूल लगाते हैं तो किस प्लेस पे हमने कौन सा मॉड्यूल लगाया है ये हम डिसाइड करते हैं रैक एड्रेस के थ्रू। और रैक एड्रेस बनाने के लिए हम इस रैक को एक कंप्यूटर के साथ, एक कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कराते हैं। उसके बाद हम ये डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर हमें रिले मॉड्यूल लगाना है, कहाँ पर हमें कम्युनिकेशन गेटवे मॉड्यूल लगाना है, तो हम इसे यहाँ से करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें दो हमें मोड मिलते हैं, आप हमारे फोटो में देख सकते हैं की लगी होती है, उसको हम रन मोड में और प्रोग्राम मोड में ले जा सकते हैं। अगर हम इस सिस्टम को रन मोड में रखते हैं तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ही ये हमारा सिस्टम यूज हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी को अपनी की को रोटेट कर देते हैं प्रोग्राम मोड में, तो प्रोग्राम मोड में जाके जो हमने सिस्टम या कंप्यूटर हमने TDI मॉड्यूल से लिंक कर रखा है तो वो उसके साथ हम कम्युनिकेशन एक बार स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का हम चेंजेस कर सकते हैं और उस समय हमारा सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन मोड में भी रहता है। मींस प्रोग्राम मोड में हमारा रन मोड की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और हमारे कॉन्फ़िगरेशन की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें LED कितनी लगी होती हैं। बेसिकली इसमें 4 LED हमारी होती हैं। सबसे पहली LED होती है हमारी ओके की। जब हमारा सिस्टम सारा कुछ ओके होगा, TDI मॉड्यूल ओके होगा तो हमारा ये ग्रीन इंडिकेशन देगा। नेक्स्ट हमारा TX RX। अगर हमारा TDI मॉड्यूल अपने सभी मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है तो हमारा ये भी ग्रीन होगा। फिर हम बात करते हैं TM की। अगर हमारा कोई भी मॉड्यूल ट्रिप इंडिकेशन में पड़ा हुआ है तो ये हमारा यहाँ से इंडिकेशन करता है तो ये हमारा रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिक। कॉन्फिक अगर हमारा ग्रीन है इसका मतलब TDI मॉड्यूल्स के साथ जो प्रोग्रामिंग हमने की हुई है वो हेल्दी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं है। अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हमने बैकअप अपलोड किया है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हुआ है तो कॉन्फ़िग वाली जो LED है हमारी वो रेड ब्लिंक करेगी, इसका मतलब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 4-चैनल प्रॉक्सिमीटर मॉड्यूल की। हम एक मॉड्यूल में 4 वाइब्रेशंस के सिग्नल्स को ले सकते हैं। अब क्या है, इसमें हमने चारों के सिग्नल ले लिए, चारों के सिग्नल जो है हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू TDI मॉड्यूल पे पहुंचे, TDI मॉड्यूल ने हमारे सिस्टम तक हमारा सिग्नल पहुंचा दिया। बेसिकली इसमें 3 LED दी होती हैं। पहली LED होती है ओके, जो हमें ये दिखाती है कि हमारा ये वाला मॉड्यूल ओके है या नहीं है। दूसरी TX RX। TX RX का मतलब है पर्टिकुलर वो मॉड्यूल हमारा TDI मॉड्यूल के साथ, हमारे सिस्टम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा हमारा बाईपास। जैसे कि हम देख सकते हैं फोटो में भी हमें चारों चैनल की अलग अलग इंडिकेशंस दे रखे हैं। अगर हमने कोई भी चैनल अगर बाईपास कर रखा है तो हमें इस बाईपास इंडिकेशन के थ्रू पता चल जाता है। सेम इसी तरह हमारा 16-चैनल टेम्परेचर मॉड्यूल भी होता है जो कि हमारा 65 नंबर पोर्ट के साथ मोस्टली यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा RTD और थर्मोकपल दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। और अगर बाई चांस मान लीजिए हमें 2 out of 3 या 2003 का लॉजिक बनाना है तो वो तीनों हमारे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग मॉड्यूल्स में होने चाहिए। बेसिकली हम टेम्परेचर मॉड्यूल अपने इसमें यूज़ नहीं करते हैं। हम टेम्परेचर के सिग्नल हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम DCS के थ्रू ही उनकी ट्रिपिंग या अलार्मिंग सिस्टम जनरेट करते हैं।
इसमें भी वही तीन हमारे एलईडी होती हैं, ओके कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमने कोई भी चैनल को बाईपास तो नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं 4 या 16 चैनल रिले मॉड्यूल की। जैसे कि हमने मान लीजिए वाइब्रेशन हमें फील्ड से रिसीव हो गए एक बार, और कोई भी वाइब्रेशन हमारा हाई जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें एक अलार्म का भी प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, और अगर हमारी लिमिट को और ज़्यादा क्रॉस कर रही तो हमें उससे अपने सिस्टम को ट्रिप भी कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा मॉड्यूल यूज़ होता है। इसमें सिंपल हमारा एंड और लॉजिक ही यूज़ होते हैं, जैसे कहीं का एक हाई हुआ तो हमने ट्रिप कराया, हाई हुआ तो हमने अलार्म दे दिया। इसमें 2 सेट पॉइंट हमारे बनते हैं, पहला होता है हमारा अलर्ट का, जिसे हम अलर्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा जो सेट पॉइंट होता है वो होता है डेंजर का। अलर्ट का हम जो सेट पॉइंट देते हैं वो बेसिकली अलार्म के लिए यूज़ करते हैं, और डेंजर के जो सेट पॉइंट का यूज़ करते हैं वो हम ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे 3 एलईडी दी होती हैं, ओके अगर हमारा मॉड्यूल हेल्दी है, TX RX अगर हमारा मॉड्यूल अपने अदर मॉड्यूल के साथ TDI मॉड्यूल के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है तो ये ग्रीन होगा हमारा। इसके बाद हमारा अलार्म, इसमें जितने भी हमारे जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, अगर 4 चैनल का है तो चारों चैनल में अलग अलग एलईडी दी हुई है, 16 चैनल का है तो वहाँ पे 16 एलईडी दी हुई हैं। अगर अलार्म या डेंजर की वजह से वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो सीधे हमारा वही इंडिकेशन ग्लो कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि किस वाले वाइब्रेशन हमारा हाई हुआ है, कि उसकी वजह से हमारा जो इंडिकेशन ये आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 2 चैनल की फेसर मॉड्यूल की। की फेसर मॉड्यूल जो होता है हमारी टर्बाइन के रोटेशन या कहेंगे इसके RPM को मेजर करने के लिए हमारा ये मॉड्यूल यूज किया जाता है। जैसे हमारे टर्बाइन के शाफ्ट में कुछ स्लॉट्स बने होते हैं, उसके सामने हमारा सेंसर लगा हुआ है, जितने हमारे वो स्लॉट्स हमारा रोटेट करता रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो की फेसर मॉड्यूल है उसको RPM में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। अब ये दूसरी बात, ये हमारी हाफ हाइट का होता है, जैसे हमारा पावर मॉड्यूल होता है वो भी हमारा हाफ हाइट का है, और दूसरा हमारा की फेसर मॉड्यूल ये भी हमारा हाफ हाइट का होता है। बाकी के जितने भी मॉड्यूल्स हम अपने सिस्टम में यूज करेंगे सभी के सभी हमारे फुल हाइट के ही होते हैं। दूसरा, इसमें LED कितनी होती हैं, इसमें LED होती हैं 2। फर्स्ट वन इज ओके कि हमारा की फेसर मॉड्यूल अगर हेल्दी कंडीशन में है तो ये ग्रीन रहेगा। TX RX अगर हमारा की फेसर मॉड्यूल TDI मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर रहा है तो हमारा TX RX की LED जो है वो ग्रीन में रहेगी। अगर ये कम्युनिकेशन फेल होता है तो ये LED हमारी रेड हो जाएगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि की फेसर मॉड्यूल हमारा अभी लाइन में नहीं है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन गेटवे मॉड्यूल की। जैसा कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेशन, हम किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, चाहे वो हमारा रिमोट डिस्प्ले हो, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर हो, और उस कम्युनिकेशन के लिए हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे ये हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हम TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इथरनेट 485/486 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर लिया। इसमें हमें बेसिकली 2 LED मिलती हैं, पहला होता है हमारा ओके, दूसरा होता है हमारा TX RX पहले की तरह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट मॉड्यूल के बारे में, जो कि है हमारा VGA डिस्प्ले मॉड्यूल, जो कि आप हमारे फोटो में भी देख पा रहे हैं। अगर इस तरीके के रिमोट डिस्प्ले के साथ हमें कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए हमें एक VGA डिस्प्ले मॉड्यूल लगाना पड़ता है, और इसमें भी हमारे 2 ही LED मिलती है। हमारी सिस्टम हेल्दी देन ओके, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है तो TX RX। तो ये कम्प्लीट वीडियो थी हमारी वेंडले नेवडा सिस्टम को लेके। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके जो वाइब्रेशन सिस्टम होते हैं और हमारा जो RPM मेजर करना है तो उनको हम फिजिकली कैसे चेक करेंगे। उसके लिए अपने इम्प्लांट में ले चलेंगे आपको, और आपको लाइव चेक कराएंगे कि किस तरीके से हम वाइब्रेशन सिस्टम को चेक करते हैं, किस तरीके से हम उसकी RPM, जो हमारा सेंसर होता है, सिस्मिक सेंसर होता है, उसको कैसे चेक करेंगे। और अपनी हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वेंटले नेवाडा सिस्टम को लेकर एक इंटरव्यू सीरीज बनाएंगे, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस लेंगे और उन पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।